धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लाल चांद जी इंसान बहन बोलने के लिए आ जाएं जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो भी बहन भाई कनातों से बाहर आए, आप सभी को बेनती है कि आप जल्दी से जल्दी कनातों के अंदर आकर बैठ जाएं जी। जो बहन भाई कनातों के अंदर हैं, खड़े हैं, अपनी अपनी जगह पे सभी ने प्रेम से बैठ जाना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लाल चांद जी इंसान बहन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट पागू जी इंसान बहन बोलेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे, हर दम दर्श दीदार हो, ऐसी नजर बना दे। वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। वो पल कभी न आए, तेरी याद जो बस जाए बन के धड़कन, मेरे दिल में तेरी चाहत बस जाए बन के धड़कन, पल भर न भूल पाऊं ऐसी तड़फ जगा दे। वो पल कभी न आए, तेरी याद जो दीद की तमन्ना आठों पहर नजर को, रहे दीद की तमन्ना आठों पहर नजर को, बुझ न सके कभी जो ऐसी प्रेम अगन लगा दे। वो पल कभी न आए, जो भुला दे। रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, खुद आप अपने वचनों पे चलना हमें सिखा दे। वो पल कभी न आए, तेरी याद जो
तेरा सतनाम जी हमारी यही अर्ज आपसे है, तेरा सतनाम जी हमारी यही अर्ज आपसे है। उतरे न उम्र भर जो ऐसा नशा पिला दे, वो पल कभी न आए तेरी याद जो बुला दे। हर दम तरस दीदार हो ऐसी नजर बना दे, पल कभी न आए तेरी याद जो भुला दे। नंदन सतगुरु तेरा ही आस। नंदन सतगुरु तेरा ही आस। तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है, जो मूनू कुट लगा लेंदा, दुनिया तो पुलाने की गल है, खुद अपनी होश भुला बैंदा। तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है, जो मूनू कुट लगा लेंदा, तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है, जो मूनू कुट लगा लेंदा, दुनिया तपलौनी की गल है, दुनिया तपलौनी की गल है, खुद अपनी अपनी होश भुला बैंदा, खुद अपनी होश भुला बैंदा। तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है, जाना सौखा है। जिनू देने सोची ओ जाने, जिंद जान भी कोल घुमा दिंदा, तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है,
जिन्ना प्यारा लगता है, तेरे नाल ही रिश्ता सच्चा है, झूठा रिश्ता कूड़े जगदा है। जिथे भीड़ बने उथे आ खड़ीदा, धर्म राज दा लेखा मुका दिंदा, तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है। मालिकी सजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, जिसके अरबों करोड़ों नाम हैं, वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति का स्रोत, सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसकी दया में रहमत को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर की सफाई करना अति जरूरी है। अंत्यकरण में अगर आपके द्वेष है, अंत्यकरण में अगर आपके बुराइयां हैं, तो परमपिता परमात्मा नहीं मिलता। लोग ठगियां मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं और उसी में चंद रुपए निकाल के मालिक को खुश करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? क्या वो अंदर की बात को जानता नहीं? क्या वो पहचानता नहीं कि इंसान क्या क्या कर्म कर रहा है? तो बुरे कर्म जब तक छोड़ोगे नहीं, उस मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बना जा सकता। अपने अंत्यकरण की सफाई करनी है, घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर कहा है शरीर को, कि अपने शरीर में से बुराइयां, गंदगी, गलत चीजें जो तेरे अंदर बसी हुई हैं दिलो दिमाग में, उनको निकाल डाल। जब तक अंत्यकरण साफ नहीं होगा, मालिक की दया में रहमत का नजारा भी साफ नजर नहीं आएगा। इसलिए यह जरूरी बनता है कि जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें समझना जरूरी है कि वो मालिक, वो दया का सागर, वो रहमत का दाता बाहरी दिखावे से कभी किसी पे प्रसन्न नहीं होता, कभी किसी से खुश नहीं होता। उसके लिए तो अंत्यकरण की भावना चाहिए। अगर अंदर शुद्ध है तो बाहर दिखावे की जरूरत नहीं। मालिक के प्रति तड़फ, लगन, व्याकुलता जब लग जाती है, वैराग्य जब शुरू हो जाता है, तो वो पल में दर्श दीदार दे भी दिया करते हैं। सो अपने अंत्यकरण को शुद्ध करो,
हम ये नहीं कहते कि बाहर से सफाई जरूरी नहीं है, जरूरी है, बाहर से साफ सफाई शरीर की करना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंत्यकरण की सफाई करना। बाहर की साफ सफाई आप करते रहें, उससे मालिक को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंत्यकरण की अगर सफाई आप करते हैं तो मालिक दर्श दीदार जरूर देते हैं और गम चिंता टेंशन बीमारियों से निजात दिला देते हैं। सो अपने अंत्यकरण की सफाई जीव करे कैसे? सोचता है कि ठीक है मेरे अंदर बुरी आदतें हैं। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तुम आया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरी जन सूर। कबीर जी लिखते हैं जो ठगी बेईमानी बुरे कर्म करते हैं, चोर जुआरी लोभी लालची, वो तेरी आदत को मना कैसे बदल सकते हैं? आदत को कोई बदलेगा उस अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्त योद्धा शूरवीर जो आदत को बदल देगा। जो आदत इंसान को पड़ जाए बड़ा मुश्किल है उसको छोड़ पाना। हमने देखा गांव में पशुओं को बिनोले डालो, खड़ वगैरह सरसों की खड़ होती है, खड़ वगैरह डालो तो वो उसे नहीं खाते क्योंकि उन्हें आदत होती है रस्सा चबाने की। उस रस्से में उन्हें विटामिन लगते हैं कि रस्सा खाओ या कपड़ा लत्ता चबाओ उसमें बहुत ताकत है, डंडा पड़ता है नाक पे फिर भी नहीं छोड़ते, अगले दिन फिर चबाने लग जाते हैं। तो ऐसे जिस आदमी को मन की गंदी बुरी आदत पड़ी होती है, जब चोट पड़ी, जब डर लगा, जब कोई ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है तो झट छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन फिर वैसे का वैसा। बड़ों बड़ों को हमने देखा वायदे करते, नहीं अब जिंदगी में कभी नहीं, अब जिंदगी में कभी नहीं। ऐसा लगता था ये तो बड़ा अणखी है, बड़ा गैरतमंद है, बड़ा खानदानी है, ये तो कभी बुराई करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे समय ने करवट बदली, धाक के वही तीन पात, रिजल्ट कुछ आया ही नहीं, वो वैसे की वैसे महाशय। तो फिर लगा कि ये मन से नहीं लड़ना चाहता, मन से लड़ेगा तभी वायदे पूरे करेगा, बातों से कुछ नहीं होता, क्योंकि मन का कोई पता नहीं कौन सी करवट में किस सेकंड में क्या कुछ करवा दे, कौन से गुल खिलवा दे। सो मन जो कि बुराई की जड़ है, मन जो बुरे कर्म करवाता है, उससे लड़ना अंत्यकरण की सफाई करना एक ही बात है। और इन सबके लिए सुमरण जरूरी है, भक्ति इबादत जरूरी है। आप चलते काम धंधा करते जुबान से ख्यालों से सुमरण करते रहिए। बताइए आपका क्या टैक्स लगता है, दुकान पे हैं आप खाली बैठे हैं राम नाम जपते रहिए, बताइए क्या आपको छोड़ना पड़ता है। जमींदार भाई एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं तो जीभा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, जीभा राम नाम में लगाए रखो, ट्रैक्टर चलाते रहो, काम करते रहो। तो हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीभा ख्यालों से ज्ञान जोगी अगर बनोगे तो मन शैतान रुकेगा, वरना मन नहीं रुकता, बड़ा ही जालिम है, बड़ा ही शैतान है। ये कर्म बुरे करवाता है और भोगना आत्मा को पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानकार है, आत्मा में बड़ी ताकत है। जब भी बुरे कर्म मन करवाता है अंदर से एहसास करवाती है आत्मा, मत कर, ये बुरा कर्म है, तुझे नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं, बाद में भी कचोटती है। जब आदमी वो बुरा कर्म अंजाम दे देता है, बुरा कर्म कर देता है, उसके बाद भी आत्मा कचोटती है, जो मालिक से जुड़े उनकी तो खास करके, कि नहीं तूने बुरा कर्म किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता और आत्मा सुमरण करके उसको दबाती नहीं, तो आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरण के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा दूसरों का भला करो, दीन दुखियों की मदद करो, यकीनन आपका, आपके परिवार का, कुलों का उद्धार मालिक जरूर कर देंगे, खुशियों से लवरेज जरूर कर देंगे। आज अपने भारत में बात होनी है जी, और लाइव वीडियो जो मैं चलता है, तो त्रिवेंद्रम केरला से लेफ्टिनेंट सिमांगी इंशा बात करना चाहते हैं, लोनोवाल पुणे महाराष्ट्र से बात करना चाहते हैं। बोलो बेटा, शिवांगी बात करो बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा। कैसे पिताजी, आप कैसे हैं जी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। हाँ जी पिताजी, आप जी की रहमत है पिताजी। पिताजी आप जी को सबसे पहले तो पिताजी आप जी को
शाही परिवार को, कुल सृष्टि, कुल आलम को, साध संगत को, जामे इंसान और पिताजी डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस पर कोट कोट बधाई हो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, मालिक खुशी बख्शे बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी, इस सृष्टि पर आपके इतने परोपकार हैं जिनका तो पिताजी लिख बोल कर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है पिताजी। पिताजी, आपने आप जी हमेशा यही वचन फरमाते हैं कि बेटा, आप जब भी दरबार में आते हैं सेवा पर, तो मालिक सच्चा रहबर आपके परिवार जनों के पास वो खुशियों की झोलियां खजाने भरकर लेके जाता है और उनके संभाल करता है। पिताजी, इसी का एक मैं करिश्मा वृतांत सुनाना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ पिताजी। जी पिताजी, मेरे मम्मी जो कि 15 नवंबर पंजाब है पिताजी, वो अपनी किस्त पर पिताजी दरबार में आए हुए थे पिताजी। पिताजी, हम परिवार से इतना दूर रहते हैं, आप हमारी अंग अंग हमारी हर कदम कदम पर रक्षा करते हैं पिताजी। मैं अपने पापा जी के साथ रात को बात कर रही थी पिताजी फोन पर जी। सामने देखा 2 कदम की दूरी पर ही मेरे आगे बहुत बड़ा सांप बैठा था पिताजी, बहुत ज्यादा बड़ा सांप था पिताजी। जिंदगी में पहली बार सांप देखा था पिताजी। पिताजी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, कुछ नहीं समझ आया, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने फोन काट के ना वहीं की वहीं डर के बैठ गई और मैंने नारा लगा दिया पिताजी। हृदय में पता ही लगा पिताजी, सांप ने अपना रास्ता मोड़ के अपने आप ही पिताजी को चला गया, मेरी तरफ तो वो आया तक नहीं पिताजी। पिताजी, आप जी के वचन बिल्कुल सही है पिताजी कि आप हम अगर सेवा पे, परिवार का एक जना भी सेवा पर आता है तो आप उसकी उनके परिवार की रक्षा करते हैं पिताजी। पिताजी, 2-3 बार हो चुका है मेरे आगे सांप आ जाता है पर वो अपने आप ही रास्ता बदल जाता है पिताजी। परसों की बात है, हमारे पिताजी हमने अपने रूम का पीछे वाला दरवाजा रात को कभी नहीं खोला पिताजी। परसों खाना खा कर आए, हमने वैसे ही दरवाजा खोला, देखा सांप हमारे वॉशरूम की और बाथरूम की ओर जा रहा है पिताजी। कभी दरवाजा ही नहीं खोला पिताजी, पहली बार खोला था रात को पिताजी। साथ के साथ मैस में से बुलाया, आए वो सांप को ले गए पिताजी। ये तो उस टाइम भी मेरे मम्मी दरबार में है, अब तक मेरे मम्मी दरबार में है पिताजी सेवा के ऊपर, और आपने हमारी बहुत रक्षा की पिताजी। जी बेटा, मालिक रक्षा करते हैं बेटा, वो हमेशा अंग संग होकर जीव का साथ देते हैं। सो जो दृढ़ विश्वास करता है उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती बेटा। पिताजी, मेरी फ्रेंड हमेशा मुझे यही कहती है कि शिवांगी, सांप हमेशा तुझको दिखते हैं, पीछे पीछे आते हैं, तू कहीं जाके माथा टेका, किसी मंदिर में जा, कहीं जा, पूजा पाठ करके आ। पिताजी, मेरा मंदिर तो आप हो, मेरे शिव भोलेनाथ सब कुछ आप ही हो पिताजी। वो मुझे बोल गया तेरा नाम शिवांगी है, तू शिव जी के पास जाके उनके दर्शन करके आ। पिताजी, मेरा सब कुछ आप हो, मैं तो आप जी के दर्शन करने आई हूँ, आप जी से आशीर्वाद लेने आई हूँ पिताजी। जी बेटा, बिल्कुल दुरुस्त है, और आप सुमण करते हैं तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी, मेरा भाई और मैं पिताजी, हम दोनों ट्विंस हैं पिताजी। 7 अप्रैल को हम दोनों का जन्मदिन था पिताजी, आशीर्वाद दीजिए पिताजी हम दोनों को पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, अच्छे नेक कामों में आप तरक्की करें, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। पिताजी, हम दोनों बहन भाई छुट्टी पे पिताजी, 25 जनवरी को हम पिताजी दरबार में आए थे भंडारे पर पिताजी। बिजी शेड्यूल की वजह से आप मुझे तो नहीं मिल पाए थे पिताजी, पर मेरे भाई को मिले थे पिताजी, और उसने पिताजी आपके चरणों में अर्ज की थी कि पिताजी, मैं अपनी जॉब छोड़ के भंडारे पर आया हूँ पिताजी। आप जिन्हें वचन फरमाए थे बेटा, परवाह नहीं करते बेटा, बिल्कुल परवाह नहीं करनी पिताजी। वापस गया, 3-3 जॉब वाले उसके पीछे है कि हमारे पास जॉब करो आप पिताजी। ये तो सब पिताजी आप जी की रहमत है पिताजी। एक ते एहसान हो वे दाता, हो सकता है मैं तो भुल भी जावा, लखा ने एहसान किते दाता, दस खां कि मैं भुलावा, मेहर करी ऐसी दातिया, तेरे वचना पे मैं अमल करवावा। जी बेटा, जी बेटा, वचनों पे रहें, सुमन करें बेटा, मालिक जरूर साथ देते हैं और जरूर निभती है बेटा। हाँ जी पिताजी, मेरे मम्मी 15 नवंबर पंजाब अपनी शिफ्ट पर दरबार आए हुए हैं पिताजी, और पापा जी ऑफिस की वजह से नहीं आ पाए। ब्रदर और भाभी जी पिताजी लाइव सत्संग देख रहे हैं, ब्रदर का 26 तारीख को पिताजी कहीं परसों ही दरबार में एक सर्जरी हुई थी छोटी भी पिताजी, और वो इसलिए पिताजी दरबार से वापस घर आ गए थे और वो लाइव सत्संग देख रहे हैं। और ब्रदर मेरा भाई पिताजी, वो दूसरे वाला ब्रदर ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है पिताजी। और पिताजी, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों के साथ सेवा सिमरन करते हुए और निभ जाए पिताजी। जी बेटा, आपके माता जी इधर खड़े हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे बेटा।
हलवा बनवाया है पिताजी, मिट्टी डाल के प्रसाद बना दीजिए, जो कोई भी इसे खाए पिताजी आपके चरणों के साथ जुड़ जाए पिताजी। जी बेटा, हलवा सामने नजर आ रहा है, आशीर्वाद मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया बेटा। और आप तो वैसे भी देश की सेवा कर रहे हैं, परमार्थ भी सेवा करते हैं, तो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, बचनों पे रहना, मालिक साथ है बेटा। ये तो पिताजी आप जी की रहमत है, हमेशा अंग संग रहना पिताजी। अगर कोई बात करते हुए पिताजी भूल चुक होगी तो माफ करना, सेवा सिमरन करने की ज्यादा से ज्यादा हिम्मत और शक्ति देना पिताजी। कई बार पिताजी यहाँ स्टाफ हमारे को कई बार पिताजी हम नॉर्थ इंडियन है ना, कई बार बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं पिताजी साहब, अपने चरणों के साथ लगा के रखना, कभी कोई गलती ना होने देना पिताजी, कि हमारे जैसे किसी पेशेंट को नुकसान ना हो पिताजी, रहमत करना पिताजी। जी बेटा, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। जी बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं है बेटा, बोलो। शैशरी आप जी को शाही परिवार को सारी सासंगत स्थापना दिवस पर जामे मिनिस्टर की फोर्थ फोर्थ चार्ट पर अरबों खरबों और बधाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां। शरी आपकी तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? बिल्कुल बेबराज की रहमत है, आप सुनाओ बेटा। आपकी रहमत है शंशरी। शंशरी आपकी रहमत से हमने पूनम, शंशरी आपकी रहमत से हमने पूनम एक फ्लैट लिया, उसका नाम चर्चा करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। शहशाह जी अच्छे बने, काम करो, में आगे बढ़े, उसकी हिम्मत बख्शे। जी शहशाह जी, आज तक कोई भी गलती हुई हो, किसी जाने जाने में किसी की कोई भी गलती हुई है तो माफ करें, माफी दें। बचनों में गलती ना करो बेटा, बाकी खाने पीने की अनजाने में या कोई ऐसी गलती है तो नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। शहशाह जी पूना की सारी आपका बहुत इंतजार कर रही है, शहशाह जी कब आएंगे? जरूर बेटा, समय के अनुसार जरूर देखेंगे। शंशा जी मेरे मम्मी मजलिस में है, मजलिस में हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। जी आशीर्वाद, आए हैं यहाँ। शंशा जी परिवार बात करना चाहते थोड़ा सा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी सर, मैं आपके पूनम बोल रही हूँ, पूनम से। जी पिताजी यार रहमत रहमत बख्शिए, कोई गलती हो अनजाने में तो माफ कीजिए। और पिताजी दो बेटियां हैं हमारी। जी एक बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है, शायद गर्ल्स कॉलेज में स्कूल में फर्स्ट क्लास में, और दूसरी बेटी हमारे पास, तो उनको आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद। हाँ पिताजी, हमारे मम्मी पापा भी आए हैं, पापा जी हमारे ठीक नहीं रहते, थोड़ा उनको भी आशीर्वाद भी यही सेवा करके लंगर पीने के लिए। जी बेटा, उन्हें कहीं सुमण करके थोड़ी दवा दारू करें। हाँ जी, और ये हमारे गुड़िया सती नारा लगाना चाहते थे तो भी सुनो जल्दी। जी बेटा आशीर्वाद। ठीक है पिताजी, कोई गलती हो तो माफ कीजिए, बस बचनों में गलती ना करो बेटा, खाने पीने की या कोई अनजाने में ऐसा हो जाता है तो नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे, सेवा सिमरन करते रहिए, मालिक खुशियां देने वाले हैं। लाइव मैसेज है जी, सात संगत ऑस्ट्रेलिया, कल जामे इंसान दिवस 29 अप्रैल की खुशी में ऑस्ट्रेलिया की सात संगत सिडनी में नशों के खिलाफ और ब्लड डोनेशन पौधा रोपण के लिए प्रेरित करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाल रही है। जी रैली की सफलता के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, ड्राई फ्रूट प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, हिम्मत से अच्छे नए काम कीजिए, मालिक साथ हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और दिन दुखियों मद के लिए शादी की खुशी में बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं, लड़का व लड़की दोनों
शादी की खुशी में मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम राजकुमार इंसा पुत्र बुद्धराम इंसा जी का निवासी लुधियाना जिला लुधियाना पंजाब। लड़के का नाम पूनम इंसा पुत्र ओम जगदीश जी की निवासी और रोहतक जिला रोहतक हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और ये शादी वाले परिवार विवाह शादी वाले दिन भी दिन दुखियों मत करना नहीं भूलते तन मन धन से। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते। अब वो परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है जी, खड़े होते जाए। सरसा से आए हैं, खड़े हो जाए, उनकी याद में 2000 रुपये जमा करवाते हैं। मलोड से आए हैं, आंखें दान भी किए, आंखें दान महादान आशीर्वाद। सरसा से आए हैं और मुरादपुर गाजियाबाद से आए हैं, तो वो खड़े होते जाएं जी। और खाट लोवाणा श्री गंगानगर से आए हैं, ये 2 महीने का बच्चा तक। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है उस आत्मा को मालिक अपने गोद में बैठा के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर लेके जाता है। छोटा बच्चा अगर उसने नाम नहीं लिया था, परिवार में नाम जपते हैं या उसकी माता ने जब वो गर्भ में था श्रवण किया, अब ग्रंथ पवित्र पढ़ा, सत्संगे सुनी, तो जरूर मालिक कुछ ना कुछ रहमो कर्म उस पर भी करते हैं। बाकी अस्थियां फुल लेके आए हो, ये तो अगर खुद का खेत है तो गहरा गड्ढा खुद के बांधवा दो या बड़ी नहर नदी में नल लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं जिसने नाम लिया। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है। सो मालिक आपको ताकत दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा। बाकी जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया अनुक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सज रही है, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।